हेलो हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का प्लान है कि हम लोग जा रहे हैं नीमगांव, और आगे बताता हूँ कि और कौन कौन जा रहे हैं मेरे साथ में। तो सौरभ जी भी पहुंच चुके हैं और अपने अखिलेश भाई भी आ गए। तो अब हम लोग चलते हैं महाराजा चौक, जहाँ हम लोग का इंतजार कर रहा है रवि, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। तो हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से महाराजा चौक, जहाँ हम लोग का इंतजार कर रहा है रवि, और उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से नीम गांव। चलें। तो रवि भाई भी मिल चुके हैं हम लोग को। सुनिए, थोड़ा पेट्रोल डलाना है जी। हाँ, कल रिजर्व लग गया था ना, सर को भी डलाना है ना। पेट्रोल दे रहे हैं भैया? तो बताओ, आ जाइए आ जाइए, बन जाएगा, बहुत जगह। हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ से नीम गांव, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ बर्ड आते हैं, तो उसके बारे में अभी हम लोग कुछ वहाँ फोटो वगैरह लेंगे, वीडियो बनाएंगे, और कुछ रास्ते का भी वीडियो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। एक नंबर, देखते हैं कौन कौन सा है। उस दिन तो दो तीन का लिस्ट किए थे हम लोग, बाकी आज कौन कौन सा नया आया है देखते हैं। नीम गांव के लिए दो रास्ता जाता है, एक जाता है आपका रांची रोड से, और एक रास्ता है वो जाता है करबला चौक जसपुर टाउन से होकर के जाता है। हम लोग तीसरे रास्ते से जा रहे हैं, ये रास्ता है सोगड़ा वाला, और इस रोड में जाने से बिल्कुल अभी हम लोग 3 किलोमीटर आए हुए हैं, और यहाँ से अपने को राइट लेना है। नहीं, आगे से है, आगे से है। नहीं नहीं, मैं इसलिए भी आया हूँ। हाँ, कच्ची रोड है। हाँ हाँ, रोड 3 ठो है, तब जा नीमगांव जाने। 4-5 ठो रोड है। तो हम लोग पहुंच गए हैं जरिया गांव, और यहां से अपने को राइट लेना है। ये हम लोग को ये नीम गांव से थोड़ा सा पहले निकालता है। इसमें तो मैं पहली बार जा रहा हूं। अरे छोटे, नहीं दौड़ो जी, नहीं दौड़ो। यह जरिया का चर्च, पीछे में स्कूल भी है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। पीछे मैं दिखाता हूँ आप लोग को, जो चर्च के बगल में स्कूल है वो पीछे रहा स्कूल। चर्च से मुश्किल से 500 मीटर के बाद अब हम लोग राइट टर्न लेंगे यहाँ से। राइट पे क्या है, मैं भी इस रास्ते से नहीं गया हूँ। मेरे साथ जो अखिलेश जी हैं वो बता रहे हैं कि निकलता है। ये हम लोग आ गए जो ईस्ट टाउन से होकर के जाता है करबला रोड से, उस रास्ते से पीड़ी गांव में पहुंच चुके हैं हम लोग। Oh,
हम लोग पहुंचे हैं अभी पीड़ी गांव और थोड़ा दूर और बचा है उसके बाद आप लोगों को थोड़ी देर में आगे में दिखेगा नीम गांव ग्राउंड में हम वही दिखेगा। ये इसी को नीम गांव बोलते हैं भैया, यही है ना। और डैम के लिए आगे से बाया ना, जुस्का का दुकान तो नहीं खुला है जी, कैसे करना है फिर? आते समय खोल देगा, आते समय तक। चलिए ठीक है। खूटा घाट एक बार गया हूँ मैं, लेकिन उस समय मैं ठीक से बड़ा नहीं हुआ था, ठीक से बड़ा नहीं हुआ था उस समय। दसवीं ग्यारहवीं पढ़ रहा था शायद, बारहवीं पढ़ रहा था उस समय, घाट पहाड़ का उतना नॉलेज नहीं था ना। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नीमगांव डैम पे, और यहाँ कुछ प्रवासी पक्षी माइग्रेटिव बर्ड जो आते हैं वो आना चालू हो गए हैं। और जो मेरे साथ आए हुए हैं रवि भाई, सौरभ भाई और अखिलेश भाई, तो सब लगे हुए हैं लोग बर्ड वाचिंग कर रहे हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो अब हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग नीचे जाएंगे, जो डैम का पानी भरा है उसके किनारे किनारे साइड में कुछ बर्ड बैठे हुए हैं, तो थोड़ा हम लोग को पास जाना पड़ेगा। थोड़ा सा रास्ता कीचड़ वाला है पर जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। कुछ बर्ड का आवाज सुनाई दे रहा होगा आप लोग को, चलिए आइए बढ़ते हैं। तो शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हम लोग, खेत वाला। आना भाई, क्या हुआ बे, भटक जाओगे, बहुत तकलीफ है, नहीं सकोगे। बड़ा नागराज निकलते हैं ना कुंडा। हाँ गुट्टा खा जाएगा तुमको, गुट्टा खा जाएगा, देख लेना बे, पता नहीं चलेगा। अबे अबे अबे, रास्ता थोड़ा सा उस टाइप का है, खेत वाला, मेड़ वाला। मेड़ वाले रास्ते में चलते हुए हफ्ताते हफ्ताते चलेंगे। आजा भाई। और रवि, it doesn't really matter 'cause you're here with me now, it doesn't.
अखिलेश जी इधर है, मैं यहाँ हूँ, रवि भाई बीच में खड़ा हुआ है और सौरभ जी वहाँ है और सब अपने अपने तरीके से बर्ड वाचिंग कर रहे हैं। क्या है, हम लोग जिस किनारे जा रहे हैं बर्ड वहां से भाग जा रहा है। हम लोग थोड़ा छुप के थोड़ा बट गए हैं और अलग अलग एंगल से फोटो लेने का कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग जो बर्ड वाचिंग के लिए यहाँ आए थे नीम गांव, यहाँ हम लोग को बहुत सारा नए नए पक्षी दिखे हैं और भी कुछ आने वाले हैं जिनके बारे में डिटेल से बताएंगे हमारे सौरभ भाई। अभी जो यहाँ पे सबसे मेन बर्ड आती है रूडी शेल्डक, वो अभी तक पहुंची नहीं है। वो पहुंचेगी, वो कम से कम 70 से 100-150 के आसपास रहती है इसकी संख्या। और कुछ कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आई है जो हम लोग को दिखी आज, वो है लिटिल रिंग्ड प्लोवर, ग्रे वॉकटेल, येलो ऑकटेल, व्हाइट ऑकटेल, विस्लिंग डक जो यही की है, विस्लिंग डक माइग्रेटरी नहीं, लेसर विस्लिंग डक हम लोग को दिखी यहाँ पे। फिर आपको पंडुबी दिखी यहाँ पे, कुछ और बर्ड्स भी दिखे हैं जिसमें से यूरेशियन कॉलर डव है वो दिखा। फिर आपका आप तीतर जो बोलते हैं वो तीतर यहाँ से हम लोग को दो चार अभी जस्ट हमारे बगल से क्रॉस होता हुआ दिखा। और क्या क्या दिखा ये, और जो कुछ बर्ड जो आते हैं कितना सफर करके आते हैं, मतलब कितने दूर से आते हैं? देखिए बहुत सारे बर्ड्स हैं, कुछ बहुत दूर से आते हैं। जो रूडी शेल्डक आएगी वो आएगी आपके यूरोप से, फिर कुछ बर्ड्स साउथ अफ्रीका से आती है, एक है लिटिल टर्न जो यूके से आती है। तो सात समुंदर पार करके सफर तय करते हैं वो अपना। हम लोग बीच में और आते रहेंगे और जैसा भी बताए कि कुछ बर्ड बहुत ही ज्यादा संख्या में आएंगे तो उस समय भी मैं कुछ फोटो और वीडियो अपलोड करने का कोशिश करता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर कुछ उसमें कमी है और आप बताना चाहते हैं कि वीडियो में ये और भी सुधार कर सकता हूँ तो प्लीज वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को और अच्छा वीडियो दिखाऊं।